फिल्म की शुरुआत में हम जॉन और एलिस नाम के कपल को देखते हैं, जो बड़ी ही गहरी नींद में घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी अलार्म की घंटी बजते ही एलिस की नींद खुलती है और वो उठकर चाय बनाने के लिए किचन में जाने लगती है। तभी जॉन उसे याद दिलाते हुए रोकता है कि घर का राशन तो कब का खत्म हो चुका है और उनके पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं है। एलिस जॉन से कहती है कि उसकी माँ तो पड़ोस में ही रहती है, तो क्यों ना वो दोनों उनके वहाँ जाकर नाश्ता कराए। इस पर जॉन भड़कते हुए कहता है कि वो 3 हफ्तों तक भूखा रह लेगा पर अपने रिलेटिव्स के घर खाना मांगने नहीं जाएगा। आखिर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। फिर जॉन कुछ देर बाद अपनी साइकिल पर पैदल मारता हुआ अपने ऑफिस चला जाता है। जॉन एक इंश्योरेंस सेलिंग कंपनी में जॉब किया करता था, पर कुछ हफ्तों से एक भी इंश्योरेंस सेल ना कर पाने की वजह से जॉन का बॉस उसके ऑफिस आते ही उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देता है। जॉन ने तो मन ही मन अपने बॉस को पीटने का हिसाब बना रखा था, पर पैसों की तंगी की वजह से किसी तरह उसने खुद पर काबू रखा हुआ था। दूसरी तरफ एलिस भी एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। हालांकि उस जॉब के लिए एलिस तो पूरी तरह से क्वालिफाइड थी, पर वर्क एक्सपीरियंस ना होने की वजह से एचआर उसे वी विल कॉन्टेक्ट यू लेटर कहकर इनडायरेक्टली मना कर देता है। एलिस चुपचाप अपने घर लौट आती है और आते ही ऑनलाइन पैसे कमाने की निंजा टेक्निक ढूंढने लगती है। तभी उसका मकान मालिक अर्नी घर का रेंट कलेक्ट करने आ धमकते हैं। एलिस को पता था कि अगर इस बार उसने रेंट नहीं दिया तो अर्नी बवाल खड़ा कर देगा, इसलिए वो अर्नी को एक चेक थमाते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस चेक को अगले हफ्ते ही बैंक में जमा कराए, क्योंकि अभी तक जॉन को उसकी सैलरी नहीं मिली थी। अर्नी के जाते ही एलिस अपना बैंक बैलेंस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में फूटी कौड़ी भी नहीं है और उल्टा बैंक वालों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से एलिस के अकाउंट पर -2000 रुपए का फाइन लगा रखा था। सब कुछ राम भरोसे छोड़कर अगले दिन दोनों खाने के लिए मार्केट से कुछ लेने जा रहे होते हैं। तभी उनकी अचानक भाई की ट्रक से टक्कर हो जाती है जिसमें दोनों बाल बाल बचते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले घटनास्थल पर आकर एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि किसी ने उस जगह लगी साइन बोर्ड को हटा दिया था जिस वजह से टक्कर हुई। जॉन पुलिस ऑफिसर के साथ फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लगा हुआ था। तभी एलिस की नजर सड़क के किनारे बने एक बेहद पुराने एंटीक शॉप की तरफ जाती है। एलिस एक बूढ़ी औरत को देखती है जिसके हाथ में एक पीतल की केटली थी। वो तुरंत उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसकी शॉप में घुस जाती है। अब इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत एलिस से कुछ पूछ पाती, उसके फोन की घंटी बजने लगती है और वो फोन उठाने चली जाती है। एलिस भी इसी मौके की तलाश में थी। बूढ़ी औरत के जाते ही एलिस उस पीतल की केटली को ढूंढने में लग जाती है और थोड़ी ही देर की छानबीन करने के बाद उसे वो मिल भी जाती है। एलिस ने मन ही मन उस केटली को चुरा कर बेचने का प्रोग्राम सेट कर लिया था और पलक झपकते ही वो उस केटली के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। जॉन को जब एलिस के कारनामे के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही दुख होता है। एलिस उससे कहती है कि वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई और उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो उस पीतल की केटली को खरीद पाते। एक रोज एलिस इंटरव्यू में जाने से पहले अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी, तभी ज्यादा हीट जनरेट हो जाने की वजह से उसके कुछ बाल जल जाते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी सामने रखी केटली हिलने लगती है। ये देखकर एलिस घबरा जाती है पर किसी तरह हिम्मत करके वो केटली के ढक्कन को खोल कर देखती है जिसमें $500 के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। एलिस को लग रहा था कि जरूर जॉन ने अपने कुछ पैसे उस केटली में छुपाकर रखे होंगे, इसलिए वो एक बार फिर अपने बालों को जलाकर देखती है और इस बार भी पहले की तरह कुछ पैसे केटली में प्रकट हो जाते हैं। एलिस समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण सी केटली नहीं बल्कि एक जादुई केटली है जो दर्द महसूस होने पर पैसे देती है। इसके बाद एलिस धनाधन खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देती है और उधर केटली भी उस पर मेहरबान होकर लगातार पैसे बरसाए जा रही थी। इधर जॉन को उसका बॉस नौकरी से निकाल चुका था। जॉन अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस जॉब में पिछले 7 साल से काम कर रहा है और सीनियर होने के चलते उसे कुछ समय जरूर मिलना चाहिए। हालांकि उसका खरूस बॉस उसे यह कहकर अलविदा कहता है कि अभी कंपनी के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और फ्रेशर्स उससे आधी सैलरी में उसका काम करने को तैयार है। जॉन जब मुंह लटकाए घर पहुंचता है तब उसकी नजर एलिस पर पड़ती है जो कि बेडरूम में पड़ी हुई थी। एलिस के सर पर चोट के निशान देखकर जॉन काफी घबरा जाता है। तब एलिस उसे उस जादुई केटली के बारे में बताती है। जॉन को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता और वो एलिस को बताता है कि उसकी नौकरी भी चली गई है। एलिस कहती है कि अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कहते हुए एलिस अपने घुटनों से जॉन की गोटियां फोड़ देती है। इस असहनीय दर्द के चलते जादुई केटली के अंदर से पैसों की बारिश होने लगती है जिसे देखकर एलिस पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। जॉन समझ चुका था कि एलिस उस जादुई केटली की वजह से खुद को बहुत चोट पहुंचा सकती है, इसलिए मौका मिलते ही वो अगले दिन उस जादुई केटली को वापस करने उस एंटिक शॉप पर पहुंचता है, लेकिन वो शॉप उस वक्त बंद थी। इसके बाद जॉन उस केटली को भंगार में बेचने एक अमीरों के ऑक्शन में जाता है जहां मैनेजर उसे बताता है कि उसे उस केटली के सिर्फ 5000 ही मिलेंगे। जॉन मन ही मन सोचता है कि पिछली रात उसने अपने गोटे फुरवा कर 20,000 कमा लिए थे, इसलिए 5,000 में इस जादुई केटली को बेचना घाटे का ही सौदा होगा।
दूसरी तरफ एक चाइनीज आदमी टीवी पर उस ऑक्शन का लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है। अचानक उसे उस जादुई केटली में काफी दिलचस्पी होने लगती है और वो तुरंत अपने ऑफलाइन मैप में जॉन के लोकेशन को पिन करने में लग जाता है। घर पहुंचकर जॉन और एलिस ये डिसाइड करते हैं कि केटली से 10 लाख रुपए निकालने के बाद वो दोनों उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों खुद को अलग अलग तरीकों से चोट पहुंचाना शुरू करते हैं। एलिस वैक्सिंग करवाने ब्यूटी पार्लर जाती है तो वहीं दूसरी तरफ जॉन अपने सरे हुए दांत उखड़वाने डेंटिस्ट के पास। मजे की बात तो यह थी कि रात में पलंग तोर घपाघप करने पर भी केटली में से पैसे बरस रहे थे, यानी कि अब दोनों की निकल पड़ी थी। जॉन वो सारे पैसे टॉयलेट टैंक में छुपाकर रख देता है क्योंकि अगर वो अचानक इतने सारे पैसे लेकर बैंक में जमा करवाने जाता तो इनकम टैक्स वाले अपना 28% लेने उसके घर आ जाते। दोनों की लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी थी। पैसे आते ही दोनों के रंग ढंग पूरी तरह से बदल चुके थे। दोनों दिन रात सिर्फ घबाघप करने में लगे रहते और उधर वो जादुई केटली उन दोनों पर पैसे बरसाने में। सब कुछ इसी तरह चल रहा होता है, पर एक दिन दो गोरे उनके घर में पधारते हैं और जॉन से उस जादुई केटली के बारे में पूछने लगते हैं। दरअसल इन दोनों ने भी टीवी पर जॉन को उस ऑक्शन में जादुई केटली के साथ देखा था। जॉन जैसे ही झूठ बोलने की कोशिश करता है वैसे ही वो दोनों गोरे उस पर घुसंड बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एलिस तुरंत कुछ पैसे लेकर बाहर आती है और उनसे कहती है कि उसने वो केटली भंगार में बेच दी है और ये रहे उसके पैसे। दोनों गोरे एलिस के हाथों से पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं, पर जॉन ने जो करारे घुसंड खाए थे उसके बदले उसे केटली से ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। जॉन और एलिस वो सारी चीजें खरीद लेते हैं जिन्हें खरीदने के बारे में उन्होंने सिर्फ सपनों में ही सोचा था, जैसे कि आईफोन 69 प्रो मैक्स, आरटीएक्स 6090 टीआई, एक 10 BHK का बंगला। साथ ही साथ दोनों का अब काफी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा था। एक दिन वही चाइनीज आदमी जिसे उस जादुई केटली में दिलचस्पी थी वो जॉन के घर उससे मिलने आता है और उससे उस केटली को खरीदने की बात करता है। जॉन तो उस केटली को बेचने के लिए राजी था, पर एलिस उसे समझाती है कि अगर उन्होंने उस जादुई केटली को बेच दिया तो आज नहीं तो कल उनके सारे पैसे तो खत्म होने ही है, फिर उसके बाद उन्हें सड़क पर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। वो चाइनीज आदमी जिसका नाम ली था उन दोनों से कहता है कि वो दोनों उस जादुई केटली के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी उन्हें केटली से फायदा हो रहा है, लेकिन जब केटली उन दोनों पर हावी होने लगेगी तब उन्हें पता चलेगा। एलिस ली की बातें सुन भड़क जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसी शाम एलिस का पुराना मकान मालिक अर्नी बिन बुलाए उससे मिलने आ जाता है। अर्नी ने काफी ज्यादा पी रखी थी और आते ही बवाल करना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर एलिस के हाथों में पड़ी उस जादुई केटली पर पड़ती है और वो पलक झपकते ही उस केटली को एलिस से छीनकर भागने लगता है। जॉन और एलिस उसेन बोल्ट की तरह दौड़ते हुए अर्नी का पीछा करते हैं, पर अर्नी पकड़ाने से पहले ही उस केटली को सड़क पर फेंक देता है, जिसके ऊपर से भाई अपनी ट्रक के साथ गुजर जाते हैं। पर ताज्जुब की बात तो यह थी कि उस केटली को एक खरोच तक नहीं आया। यह देखकर दोनों समझ चुके थे कि ली की बात में दम तो था, इसलिए ज्यादा जानकारी के लिए दोनों ली से मिलने अगले दिन उसके घर जाते हैं। ली उन्हें बताता है कि इस जादुई केटली में बहुत ताकत है, अगर इसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं करा गया तो ये उनकी जान के पीछे भी पड़ सकता है। एक रात जब एलिस और जॉन घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं तभी उनके घर में वही दो गोरे दोबारा घुस आते हैं और उनके सारे पैसे चुरा लेते हैं। जाते जाते वो दोनों कहते हैं कि उन्हें पता था कि जादुई केटली एलिस ने भंगार में नहीं बेची थी और अभी भी वो केटली उसके पास ही है। दरअसल उस एंटीक शॉप की ऑनर जो थी वो उन दोनों गोरे भाइयों की दादी थी और उन्हें पता था कि उस केटली से पैसे निकालने के लिए उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एलिस को वो पीतल की केटली दिखाई ताकि लालच में आकर एलिस वो केटली उनसे ले ले, और वही हुआ भी। एलिस और जॉन खुद को दर्द पहुंचाकर पैसे कमाते गए और आखिर में उन दोनों गोरे भाइयों ने उनका सारा पैसा लूट लिया। ये सुनकर एलिस और जॉन उन दोनों गोरे भाइयों से भिड़ जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। अब दोनों के सारे पैसे लूट चुके थे और दोनों ने खुद को इतना चोट पहुंचा लिया था कि अब केटली में से बस कुछ पैसे ही निकल पा रहे थे, इसलिए दोनों बाहर जाकर दूसरों से मार खाने का फैसला करते हैं। ली जॉन से कहता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए। केटली धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी है और पैसे कमाने के चक्कर में शायद उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। इधर एलिस उस जादुई केटली के साथ एक पार्क में बैठी हुई थी, तभी उसके सामने एक स्केटर फिसलकर गिर जाता है और अचानक केटली हिलने लगती है। एलिस केटली का ढक्कन खोलकर देखती है, उसमें उसे कुछ पैसे नजर आते हैं। वो समझ जाती है कि केटली दूसरों के दर्द के बदले भी पैसे देती है। एलिस ये बात जॉन को बताती है। फिर दोनों ऐसे ऐसे इवेंट्स में जाने लगते हैं जहां दूसरों को दर्द हो रहा हो, जैसे WWE का शो देखने, किसी को टैटू बनवाते हुए देखने। मतलब दर्द किसी और को हो रहा था पर पैसे जॉन और एलिस छाप रहे थे। जॉन एलिस से कहता है कि वो दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है, अपने फायदे के लिए उन्हें किसी और को दुख महसूस करते हुए देखना पड़ रहा है। पर एलिस को इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं था, उसे बस पैसे कमाने थे।
चाहे वो सही रास्ते से आए या फिर गलत रास्ते से। एक दिन तो वो राह चलते एक आदमी को अपनी कार से उड़ाने वाली थी, पर एन वक्त पर जॉन कार की स्टीयरिंग घुमाकर उस हादसे को होने से रोक लेता है। जॉन गुस्से में एलिस को डांटते हुए कहता है कि क्या उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि केटली उस पर हावी होने लगी है और वो उससे गलत काम करवा रही है। इस पर एलिस जॉन से गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर वो करे तो करे क्या, जॉन के पास ना तो नौकरी है और ना ही ढेर सारे पैसे। अगर उनके पास आज वो केटली नहीं होती तो उन्हें सड़क पर भीख मांगना पड़ता। और इसी तरह एलिस जॉन की बड़ी ही गंदी वाली बेइज्जती कर देती है। लेकिन मजे की बात तो यह थी कि मानसिक पीड़ा के बदले भी केटली उन्हें पैसे दे रही थी। एलिस जॉन से कहती है कि वो भी उसके ऊपर अपनी भरास निकाल ले ताकि कुछ और पैसे निकल पाए। पहले तो जॉन मना करता है, पर एलिस के लगातार फोर्स करने पर वो भी शुरू हो जाता है। वो एलिस को बताता है कि आज भी कभी कभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है। उसके साथ बिताए पल वो आज तक नहीं भूल पाया। जो सुबह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिली थी शायद वो एलिस से उसे कभी ना मिल पाए। इसी तरह अब दोनों रोज घंटों बैठकर एक दूसरे की बुराई करते और उसके बदले केटली उन्हें ढेर सारे पैसे देती। एलिस जॉन को यह भी बताती है कि जब वो ऑफिस चला जाया करता था तब वो अर्नी के साथ एंजॉय करती थी ताकि उसे घर का रेंट ना देना पड़े। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने कुछ डार्क सीक्रेट शेयर कर लिए थे, जिस वजह से ऑफ कोर्स दोनों काफी हल्का महसूस कर रहे थे। जितने कांड एलिस ने कर रखे थे उतने ही जॉन ने भी। सो दोनों एक बार फिर अपने रिलेशनशिप को पहले की तरह खुशहाल बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। एक रात जब दोनों सो रहे होते हैं तब अचानक घर में किसी के घुसने की आवाज से दोनों की नींद खुल जाती है। नीचे जाकर देखने पर पता चलता है कि वो अर्नी था और जाते जाते वो अपने साथ जादुई केटली भी चुरा कर ले गया। अगली सुबह दोनों अर्नी के घर जाते हैं और काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तब जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि अर्नी और उसकी वाइफ ने केटली से पैसे कमाने के चक्कर में खुद को काफी चोट पहुंचा रखी थी। अर्नी की वाइफ तो पैसे कमाने के चक्कर में अपने हस्बैंड को ही मारने की फिराक में थी। तभी वो दोनों गोरे भी जॉन और एलिस को ढूंढते हुए वहां आ धमकते हैं और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती है। एलिस और जॉन एक कोने में छुप गए थे और सब शांत होने के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें उन चारों की लाश नजर आती है। साथ ही केटली में से बेशुमार पैसे निकलकर फर्श पर बिखरे पड़े थे। एलिस और जॉन उन पैसों की पोटली बनाकर जब बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर ली पर पड़ती है। एलिस समझ चुकी थी कि वो जादुई केटली कितनी खतरनाक चीज है और वो एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, इसलिए वो उस केटली को ली के हवाले कर देती है। इसके बाद जॉन और एलिस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने मैक्सिको चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली उस जादुई केटली को समुद्र में फेंक देता है, जिस वजह से किसी और के हाथ वो केटली ना लग पाए और यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी जादुई केटली होती तो क्या आप पैसे कमाने के लिए अपने दोस्त को थप्पड़ मारते? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।